कालीचरण के रिमेक के लिए टाइगर श्रॉफ निर्माता की पहली पसंद क्यों है, कालीचरण फिल्म की खास बातें क्या है और इस फिल्म का किन किन भाषाओं में रिमेक किया जा चुका है। मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। आज के जमाने में तो बेईमानी ही ऐसा धंधा रह गया है जो पूरी ईमानदारी के साथ किया जाता है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। झूठ अक्सर बहुत आसानी से गले से नीचे उतर जाता है, सच को निगलना बहुत कठिन है। ऐसे संवादों से भरी फिल्म कालीचरण 1976 में रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक थे सुभाष घई। सुभाष घई द्वारा निर्देशित ये एक्शन ड्रामा फिल्म उनके कैरियर की पहली फिल्म, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, अजीत, डैनी, मदनपुरी और प्रेम नाथ ने अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इस फिल्म ने सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों को एक अलग पहचान दी। बाद में इस फिल्म के कई रिमेक बने। तेलुगु में कैदी कालीदासु, विष्णुवर्धन के साथ कन्नड़ में कलिंग, प्रभु और शिवाजी गणेशन के साथ तमिल फिल्म संगली भी इसी फिल्म का रिमेक थी और मोहनलाल ने मलयालम में पाथुम दयम नाम से फिल्म बनाई थी और जिसे 1985 में रिलीज किया था। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार। फिल्म दीनदयाल यानी कि अजीत के साथ शुरू होती है, जो माना जाता है कि एक ईमानदार अमीर आदमी और साफ सुथरा आदमी। हालांकि ये सब एक पहलू है। माफिया दीनदयाल एक ईमानदार पुलिसकर्मी प्रभाकर की हत्या करवाता है। बाद में खन्ना को प्रभाकर का हमशक्ल कालीचरण मिलता है, जिसे वो दीनदयाल को हराने के लिए तैयार करता है। इस फिल्म की पटकथा जैनेन्द्र जैन ने लिखी थी और संगीत दिया था कल्याण जी और आनंद जी ने। इस फिल्म में एक गाना था जो बहुत ही कल्ट है। उस गाने को फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। जा रे जा ओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं कर बैठी दिल के दुश्मन से यारी। इस गाने को लता मंगेशकर जी ने गाया था, जो कि आज भी लोगों के द्वारा सुना जाता है, और इस गाने को कंपोज किया था कल्याण जी और आनंद जी ने, और इस गाने को लिखा था रविंद्र जैन ने। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि बागी 3 के बाद जब टाइगर श्रॉफ इस फिल्म के रिमेक में काम करेंगे तो आपको इस फिल्म का कितना बेसब्री से इंतजार है।